नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारा एक सब्जेक्ट है जो ऑल ब्रांचेस पे है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया सारे क्वेश्चंस के जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चंस के आप सोल्यूशन बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मैराथन क्लासेस लेके आऊँ। तो आज की ये पहली क्लास है, मैराथन क्लास की ये पहली क्लास है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरी सारी क्लासेस कम्युनिकेशन स्किल्स की देखोगे तो आप 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों और अगर आपका भाई जो यूपी पॉलिटेक्निक से अगर फर्स्ट ईयर में है और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ठीक है। देखो आपके ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल ब्रांचेस के पास होता है। आप किसी भी ब्रांच के हो और आप अगर यूपी पॉलिटेक्निक से अगर पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। तो पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे चार यूनिट्स देखने को मिलेंगी। जो पहली यूनिट होगी वो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन की होगी, जिसमें आपको कम्युनिकेशन के मीनिंग, प्रोसेस, टाइप्स, बैरियर्स, टूल्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। यूनिट नंबर टू होगी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनसीन पैसिव, ये सब बताया जाएगा। अगली यूनिट होगी आपकी रीडिंग स्किल की और फोर्थ यूनिट होगी आपकी राइटिंग स्किल्स की, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट वन के बारे में पूरी अच्छे से बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको चीज बता दूं, मैं आज की इस वीडियो में वही टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो इंपोर्टेंट हैं और जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट हमारा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी क्या ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, तो आप क्या लिखोगे उसमें। तो देखिए लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ गिविन पीपल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आप अपने आइडियाज को, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को पीपल्स के साथ, मतलब और अपने सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। लिखा है कम्युनिकेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर, कम्युनिकेशन हमारा लेटिन वर्ड है, कम्युनिकेयर वहां से लिया गया है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है कि शेयर करना, ठीक है, मीनिंग टू शेयर। लिटरली कम्युनिकेशन इज द शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टैंड सिंबल्स, साइन एंड रूल्स, इट रिक्वेस्ट टू पीपल, सेंडर एंड रिसीवर। देखो आप, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने फीलिंग्स को, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, आप अपने थाट्स को, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो किसी भी साइन के द्वारा, किसी भी सिंबल के द्वारा या फिर किसी भी रूल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें सिर्फ दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक हमारा सेंटर, एक रिसीवर, एक कम्युनिकेशन को बोलने वाला, एक कम्युनिकेशन को सुनने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिखें, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखने का आप एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन और डिफाइन कम्युनिकेशन। तो आप पहले तो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, वो भी किसी सिंबल के द्वारा बोल के या फिर किसी और रूल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें दो लोगों की जरूरत होती है, एक सेंडर और रिसीवर, ठीक है। और साथ ही साथ आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन इज इसेंशियली दैट एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। यही इसमें आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोसेस बताइए कम्युनिकेशन की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के प्रोसेस क्या होते हैं। देखो कम्युनिकेशन करने के प्रोसेस सिंपल है। पहले आप, मैं आपको पहले ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, मतलब फिर आपको एक समझाऊंगा आपके डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे कर, प्रोसेस क्या है। देखो फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, ठीक है, आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए मैसेज का। इनकोडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज को आप इनकोड कीजिए एंड प्रोसेस थ्रू चैनल, किसी चैनल के द्वारा प्रोसेस कीजिए, फिर रिसीवर डिकोड करता है उसको और फिर रिसीवर उसको सुनता है, ठीक है। देखो सोर्स, ठीक है, सोर्स ने मैसेज किया, उसने इनकोडिंग करी, चैनल में गया, चैनल के बाद वो मैसेज डिकोड हुआ, डिकोड के बाद वो रिसीवर में गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रोसेस। ये आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए, पांच नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको सिंपली ये वाला जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, आप ये बना सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और आप इस डायग्राम को एज इट छाप दीजिए, आपको पांच नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, आगे है लिखा है ट्रांसमिशन पैसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम द सेंडर थ्रू सेलेक्टेड चैनल टू द रिसीवर ओवरकमिंग द वेरियस डेट अफेक्ट इट पेस। ठीक है, चैनल में हम देखो मैसेज को हम इनकोड इसलिए करते हैं क्योंकि जो जो बैरियर्स होते हैं वो ना आ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, ठीक है, अब व्हाट्सएप में एक फीचर आया है कि आप उसको एक बार ही बंदा देख सकता है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। ठीक है, वो किस लिए हुआ, क्योंकि बीच में बैरियर हैं, जो अपतजनिक जो चीज़ें हैं, जो हैकर बैठे हैं वो आपके मैसेज को डिकोड ना करें, आपके मैसेज को ना देख सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो कम्युनिकेशन हमारे चैनल के टाइप, देखो कम्युनिकेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन हमारे बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे चार टाइप के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन आप नाम से पता चल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने माउथ के द्वारा आपने बात करके वर्बली आप किसी को वर्बली मतलब आप किसी को बात कर सकते हो, तो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है विदाउट वर्ड, मतलब आप किसी जैसे आपको डन, जब आप डन बोलते हो तो आप किसी को थंब दिखाते हो अपना, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा बोल के या फिर अपने, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन आप ऐसे समझिए अपने वर्ड के द्वारा आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। बिना बोले आप जब कम्युनिकेट करते हो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा दो टाइप का होता है, या तो आप किसी को बोल के कर सकते हो या आप लिख के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ आप साइन दिखाकर, अंगूठा दिखाकर या फिर मुंडी हिलाकर आप बात कर सकते हो, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो होता है जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो ऑफिशियली फॉलो करते हैं वो, और इनफॉर्मल जो होता है हमारा कैजुअली जो आप बात करते हो, जैसे फॉर्मल में जैसे आप अपने स्कूल में जो बात करते हो वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल में आप अपने जैसे घर में बात करते हो तू तड़ाक करके जैसे भी आप समझिए, ठीक है, वो हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे जो टॉपिक है हमारा, आगे टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यहाँ से आपको 100% दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो मिलेगा कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होते हैं, दूसरा मिल सकता है या फिर दूसरा मिल सकता है कि टाइप्स ऑफ बैरियर, या फिर मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है किसी ना किसी बैरियर का आपसे वो पूछ सकता है कि ये बैरियर कौन सा होता है। ठीक है, तो बैरियर की हम बात करें तो कितने टाइप्स के बैरियर होते हैं, तो देखो बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर, एक होता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक होता है इंटरपर्सनल बैरियर और एक होता है अदर बैरियर्स। ठीक है, देखो इंटरपर्सनल बैरियर में क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है विद इन वन सेल्फ। ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर हमारा वो होता है जो आपके द्वारा बैरियर लगाया जाता है, हिमसेल्फ अगर हमारे द्वारा कोई भी बैरियर, हम बात कर रहे हैं हमारे द्वारा कोई बैरियर लगाया जा रहा है तो वो होता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है कि जब हम स्टाफ में मीटिंग करते हैं, जैसे आपके जो ऑफिस में आपके कॉलेज में जो बैरियर लगाया जाता है, जो बच्चों द्वारा शोर, जैसे टीचर आपका पढ़ा रहा है आप बच्चे सारे शोर कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर हमारा इंटरपर्सनल बैरियर होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, सॉरी इंटरपर्सनल तो हो गया, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल तो हमारा वो होता है जो हमारे द्वारा होता है, इंटरपर्सनल बैरियर अमंग और इंडिविजुअल पीपल। ठीक है, जो हमारे वर्ड्स, जो हम जैसे हम वर्ड्स किसी सेंटर को भेजते हैं, ठीक है, हम सही से जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप तक कोई अपनी बात सही से नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों ही तो बीच में हैं, लेकिन जो हम मैं आप तक सही से बात अपनी नहीं पहुंचा रहा हूँ और मैं खुद बैरियर बन रहा हूँ अपनी बातों के लिए, क्योंकि मैं आप तक अपनी बात सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सही से अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा। ठीक है, और बैरियर भी होते हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसे आपको इंग्लिश आती है मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे, वो हमारा लैंग्वेज बैरियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, देखो कम्युनिकेशन टूल्स इनेबल द इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन टूल्स जो सॉरी हम बात करेंगे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन टूल्स क्या होता है, कम्युनिकेशन टूल्स हमारा इनेबल करता है इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर से साथ जो इनेबल करता है वो हमारा टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लिखा है टूल्स अलाउ लर्नर टू लर्न, आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव टूल्स। ठीक है, बेसिक टूल्स क्या होते हैं बात करने के, तो एक होता है हमारा ईमेल, हम ईमेल के द्वारा किसी से बात कर सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा हम किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैंडलाइन हो गया जैसे हमारा सेल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया और इंटरनेट कॉलिंग हो गया। ठीक है, हम किसी के साथ टेक्स्ट मैसेज से भी बात कर सकते हैं, शॉर्ट मैसेज सिस्टम से, एसएमएस से, हम किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं या वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ सोशल नेटवर्किंग पर भी बात कर सकते हैं, लाइक हमारा व्हाट्सएप हो गया, हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 हम यहाँ से भी इससे भी बात कर सकते हैं, आउटलुक वगैरह से। ठीक है, हम कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं, लैपटॉप हो गए, नोटबैक हो गए, टैबलेट्स हो गए। ठीक है, हम इससे भी बात कर सकते हैं। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि हमें कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ी, नीड ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, आपको सबको पता है कि हमें कम्युनिकेशन की नीड कैसे पड़ी, आप लिखोगे कैसे। तो आप देखो, लिखा है पहला पॉइंट, टू बिल्ड बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन स्मूथ इफिशियंट एंड फ्लू एंड वर्किंग। देखो हम, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, कम्युनिकेशन की हमें नीड इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को, हम अपनी बात करने को, बात मतलब हम अपनी बातों को दूसरे के साथ कैसे पहुँचाएं, इसलिए हमें कम्युनिकेशन की नीड हुई, इसलिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, देखो मैंने आपको आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप सारे रट लीजिए, सारे जो PDF है ये पूरी अगर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज की हमारी मैराथन क्लास थी, ये सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस की थी, इतने ही टॉपिक्स की थी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, मैं नहीं चाहता कि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो, मैं इसीलिए वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक से कम 15 नंबर का आपको, 15 से 20 नंबर का आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में ग्रामर का सेक्शन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो वीडियो शाम तक या कल तक में भी आ जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।